हेलो एंड वेलकम, यू आर वॉचिंग R9 TV। मैं हूँ आपके साथ पूजा। कहते हैं बॉलीवुड में जब जब किसी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाया है, तब तब उस फिल्म का कोई एक गाना लोगों के दिलों को छू जाता है। वैसे तो बॉलीवुड में बहुत सारे सिंगर्स हैं, पर बहुत कम ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने जितने भी गाने गाए उतने गाने बॉक्स ऑफिस पर हिट हुए, लोगों के दिलों पे राज किए, जिनमें से एक नाम है लता मंगेशकर का। जी हाँ, आज लता मंगेशकर का जन्मदिन है और इनके जन्मदिन के खास मौके पर आपको दिखाते हैं बॉलीवुड ब्रेक में उनसे जुड़ी कुछ खास बातें, क्योंकि लता जी को तो हर कोई याद करता है, उनकी गानों को हर कोई महसूस करता है, क्योंकि लता जी ने जितने भी गाने गाए हैं उतने गाने सुपर डुपर हिट साबित हुए हैं। तो आज के बॉलीवुड ब्रेक में देखिए लता जी से जुड़ी कुछ खास बातें। स्वर्ग कोकिला के नाम से मशहूर इंडियन सिनेमा के दिग्गज गायिका लता मंगेशकर आज अपना 90वां जन्मदिन मना रही है। पर लता जी का अपने जन्मदिन को लेकर ये मानना है कि इसमें क्या खास है, ये दूसरे आम दिनों की तरह ही है। पर ये साल खास है क्योंकि इस साल लता जी को डॉटर ऑफ द नेशन सम्मान से नवाजा जाएगा। लता मंगेशकर को सभी लोग उनकी जादुई आवाज की वजह से पसंद करते हैं, पर ये कम ही लोगों को पता होगा कि लता जी को किसकी आवाज पसंद थी। लता जी स्वर्गीय कुंदन लाल सिंघल को सुनना बेहद पसंद करती थी। लता जी ने गाना गाने की कला अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर से सीखी थी, जो खुद मराठी थिएटर के एक जाने माने कलाकार थे। लता जी खाने में मिर्च जरूर खाती है। पहले एक दिन में करीब 12 मिर्च खा जाती थी। अपनी आवाज में उतार चढ़ाव कायम रखने और चेहरे की मांसपेशियों की कसरत के लिए लता जी मिर्च के साथ काफी ज्यादा च्युइंगम का सेवन भी करती है। लता जी हमेशा अपने बारे में कहती है कि उनकी पर्सनालिटी में सबसे बड़ी कमी उनका टेम्पर था। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न जैसे कई अवार्ड्स से नवाजी जा चुकी लता जी को जितने भी अवार्ड्स दे दिए जाए वो कम ही है। पर शायद आप लोगों को पता ना हो कि लता जी ने काफी पहले से ही अवार्ड्स लेना बंद कर दिया है। उनका कहना है कि ये अवार्ड्स जो भी नए बच्चे आते हैं उनको दिए जाए, जिससे उनका हौसला बढ़ेगा। 1978 में आई फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम जो राज कपूर ने बनाई थी, वो इस फिल्म में लता जी को बतौर अभिनेत्री लेना चाहते थे और फिल्म की कहानी को उनके ही जीवन पर बेस्ड रखना चाहते थे। पर लता जी के मना करने के बाद राज कपूर को अपना इरादा बदलना पड़ा था। लता जी ने अपने करियर में बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक गाने दिए हैं, जिसे आज भी हर कोई याद करता है और हर कोई सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। लता जी की आवाज़ में वो दर्द है जिसे आप महसूस कर सकते हैं, उनकी आवाज़ में वो प्यार है जिसका आप इजहार कर सकते हैं, या यूं कहें उनके गाने सुनने से दिलों में सुकून मिलता है। तो आज उनके जन्मदिन के खास अवसर पर हमारी टीम की तरफ से, R9 टीम की तरफ से उन्हें जन्मदिन की ढेरों बधाइयां। आप बने रहिए R9 TV के साथ और देखते रहिए बॉलीवुड ब्रेक।